डेविड के शरीर में खून की कमी हो गई और अब वो पत्ता गोभी को एक और बूंद खून नहीं पिला सकता था। पोषक तत्वों की कमी के कारण गोभी निर्जीव सा हो गया। डेविड बहुत घबरा गया। डेविड एक डेंटिस्ट को जानता था जो बहुत निर्दयता से लोगों के दांत उखाड़ा करता था। मरीज दर्द से कराहते रहते थे लेकिन डेंटिस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेंटिस्ट के तौर तरीकों को देखकर डेविड सन रह गया। इसके अलावा डेविड को उसके साथ एक और परेशानी थी। वो डेविड की क्रश को हमेशा परेशान किया करता था। डेविड जेनी को मन ही मन पसंद करता था। गोभी को एक खतरनाक आइडिया आता है। वो डेविड से कहता है कि तुम डेंटिस्ट को बांध कर मेरे पास लाओ, मैं उसे खाऊंगा, जिसके बाद जेनी सिर्फ तुम्हारी होगी। ये सुनकर डेविड बंदूक लेकर डेंटिस्ट के पास पहुंच गया। जैसे ही डेविड ने डेंटिस्ट के ऊपर बंदूक तानी, उसी समय डेंटिस्ट के ऑक्सीजन मास्क में गड़बड़ी आ गई और वो वही ढेर हो गया। अपनी आंखों के सामने डेंटिस्ट को मरते देख डेविड की आंखें खुली रह गई। वो जल्दी से डेंटिस्ट को खींचकर गोभी के पास ले गया। उसने डेंटिस्ट के टुकड़े किए और गोभी को खिला दिए। गोभी डेंटिस्ट को मजे से खा गया। लेकिन ये सब होते स्टोर के मालिक ने अपनी आंखों से देख लिया। उसने डेविड को धमकी दी कि वो ये सब जाकर पुलिस को बता देगा। डेविड डरा हुआ खड़ा था, तभी गोभी ने अपना विशालकाय मुंह खोला और मालिक को जिंदा निगल लिया। डेविड फ्लावर शॉप का मालिक बन गया और अब उसकी क्रश जेनी उसकी फुल टाइम गर्लफ्रेंड बन गई। डेविड की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। जल्दी ही वो शहर का एक नामी व्यक्ति बन गया। लेकिन उसके अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं टिके। कम खाना मिलने से पत्ता गोभी बीमार हो गया।